तो भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज वो बन गई हैं। उन्होंने पहले इंडिविजुअल गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य जीता था और अब टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ जो था उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में एक और कांस्य पदक दिला दिया है। हम सीधा चल रहे हैं पेरिस, जहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, बहुत बड़ी बात है, स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई हैं मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक में दो पदक एक साथ जीते हैं। बहुत बड़ी बात है और मनु ने इतिहास रचा है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता था कि मनु जैसे तीन इवेंट में लग रही है, आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो तीसरे में भी मेडल जीतेंगी। सर्वजोत का क्वालिफिकेशन थोड़ा खराब गया था, लेकिन उन्होंने क्या शुरुआत की। और इस वक्त में हमारे साथ जो बहुत बड़ा इतिहास यहाँ रचा गया, उसको देखने वाले कई बड़े खिलाड़ी मौजूद है। रोंजन सोढ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और डबल ट्रैप में लंदन में इन्होंने खेला था। मुझे तो इनसे बहुत उम्मीद थी, इन्होंने मुझे मायूस जरूर किया और मैं इनको हमेशा इसके लिए बोलता भी रहता हूँ। रंजन, आपका जो एक दर्द था 2012 में, वो कांटा निकला? वो तो रहेगा वो मेरा यूपीएससी बना वो तो रहेगा वो तो कांटा लग गया तो बट आज जो मनु ने करके दिखाया, सरबजोत ने करके दिखाया, इनक्रेडिबल। और मनु का तो क्या ही कहना है, वो तो सारा देश ही बोल रहा है उनके बारे में। और देखिए बैक टू बैक मेडल, वो भी तीन दिन के अंदर। और अभी जैसे विमल ने कहा, अभी जो उनका फेवरेट इवेंट है वो तो रह गया, जो फेवरेट इवेंट है वो तो स्पोर्ट्स पिस्टल है, उसके अंदर हम सब सोच रहे थे उसमें मेडल आएगा, बट पहले ही दो मेडल जीत लिए तो मैं समझता हूँ कि हैट्रिक होगी उस मेडल की। और उसमें एक और लड़की बहुत अच्छा खेलने वाली है रंजन, ईशा सिंह लगातार कर रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, तो हम वहां से कम दो और मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। 110% सर्वजोत, ये लड़का जो है रंजन, ये सर्वजोत जो लड़का है ये अंबाला का लड़का है, मामूली मतलब जमींदार फैमिली का लड़का, शूटिंग स्पोर्ट में आता है, एक नेशनल्स में मेडल जीता, उसके बाद उसकी ललक जग जाती है और इस तरह का बड़ा इवेंट में आके। और कल भी जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था बहुत डरे हुए थे, पहला सवाल बोला, दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने समरेश जंग को बुला लिया, भैया बचा लो करके। देखिए यंगस्टर्स हैं, सारी हमारी टीम ने काफी एक्सपीरियंस नहीं है और इसको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं खेले हैं, बट ऑब्वियसली जीते हैं कुछ मेडल, तभी तो यहाँ पे आए हैं, कोटा जीत के आए हैं, बट इसको थोड़ा सा घबरा जाते हैं बिकॉज बच्चे हैं अभी, उनको धीरे धीरे समझ जाएंगे। और ओलंपिक ऐसा इवेंट है हर कोई घबरा जाता है उसमें, यू नो, और अभी तो उनको फाइनल खेलना था आज, जैसे उससे पहले वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके मन में ये चल रहा होगा कल क्या होगा। वो कोरिया जैसे टीम के साथ खेल रहे थे, तो बड़ी स्ट्रांग टीम है, तो देखिए तीसरे पोजीशन में और चौथे में बहुत फर्क होता है। जैसे कल आपने अर्जुन बोबुटो को देखा, चौथे में आया, यहाँ पे हमारे देश में मेडल है तो है, आपको स्पोर्ट्स में ना थर्ड तो, हाँ, फोर्थ को नहीं मानते, अभिनव बिंद्रा के फोर्थ को नहीं मानते हैं लोग, यहाँ पे लोग याद भी नहीं है लोगों को, ये तो है, ये हमारे स्पोर्टिंग नेशन हम अभी है नहीं, लेकिन हम उससे और ठीक रफ्तार से बढ़ रहे हैं, शायद हमारी रफ्तार और बेहतर होनी चाहिए थी। एक और चीज जो आपने, जैसे मनु आती है, आप मानव रचना में शूटर्स को तैयार करते हैं, मैं और काफी शूटर्स को, आप अपना जो कांटा है लगा हुआ है उसे निकालने की कोशिश करते हैं, मनु भी आती है वहां पे, सर्वजोत भी आते हैं और आसपास रेंज में आप देखते रहते हैं, सर्वजोत में ये जैसे एक काम है, कंपोज है, लेकिन सिर्फ 2-3 साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना, एशियन गेम्स में परफॉर्म करना, फिर यहाँ पे आके मेडल जीतना, सर्वजोत में भी कुछ खास तो है? 110% खास है, खास नहीं होता तो पहले ओलंपिक्स में कैसे आ गए, उनका पहला ओलंपिक है बिल्कुल, उसके बाद मेडल भी जीत लिया, तो कुछ खास तो है लड़के में, यू नो, और डेडिकेटेड है, सारी जो यंग टीम है बहुत फेयरलेस टीम है, ये मतलब कुछ घबराते नहीं किसी चीज से, ठीक है नहीं है अभी यंगस्टर है, ये थोड़ी लास्ट ओलंपिक है इनका, अभी तो ये दो और खेलेंगे। शूटिंग में आपको पता है एज का कोई ज्यादा बैरियर तो होता नहीं है, 35 साल तक आराम से खेलते हैं। एक बार आप लय में आ गए, आपने अपना फॉर्मूला फाइंड कर लिया तो उसके बाद आप चलते रहते हैं। एक जो यहाँ पे है, जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तो एक्यूट वर्टिगो है, मुझे लग रहा है गिर ना जाऊं, आधे घंटे से हमारे दोस्तों ने हमें खड़ा किया हुआ है यहाँ पे। देखो गर्मी तो यहाँ पे है ही और उससे ज्यादा गर्मी तो नहीं, मैं उसी की बात कर रहा था कि ये जो शूटिंग रेंज है ये आसान नहीं है, यहाँ पे ना एसी है ना पंखा है, वो जो रेंज है वो छोटा होता है, और खिलाड़ी शिकायत नहीं कर रहे हैं लेकिन मतलब रेंज में प्रॉब्लम तो है, मतलब ओवरऑल फ्रांस अप टू द मार्क मुझे तो अभी नहीं तक नजर आता है। देखिए कमियां तो है, आई वुड नॉट डिनाई, कहते हैं खाना उस टाइप से नहीं है यहाँ पे, खाना खत्म हो जाता है तो दोबारा खाना नहीं मिलता, बोलते आप प्रोटीन बार खा लो, तो वो थोड़ी सी कमियां तो है, मतलब ओलंपिक के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हमारे मेडल आते रहे, हमें प्रोटीन बार से मेडल आए या बिना खाए मेडल आए, मेडल आने चाहिए बस, अब क्या उसमें। अच्छा ये जो कंडीशन है, जैसे मनु जहाँ शूट कर रही हैं,
गाना बज रहा है, लोग शोर मचा रहे हैं, अब तो ये रूल्स के अंदर है, लेकिन और खाना नहीं है या मतलब जो एक्लेमेटाइजेशन वेदर अंदर का जो टेम्परेचर है वो हाई है, इसके बीच में अगर कोई शूटर परफॉर्म करता है इसका, क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि शूटिंग के लिए सिमुलेशन किया गया है, हमारे शूटिंग रेंज को इसी तरह का तैयार किया गया है, तो ये यहाँ पे फेडरेशन को की दाद देनी होगी। 110% फेडरेशन में अभी नमित से बात कर रहा था, बिल्कुल कह रहे थे कि जो सर्वे करने आए 5 डिफरेंट जगह गए, उन्होंने 5 डिफरेंट रेंज देखी कि कहाँ पे जाके हमारे शूटर्स ट्रेन करते हैं, क्योंकि इस बार फेडरेशन ने बहुत ज्यादा बिकॉज 2 बार मेडल नहीं आया, ना रियो में आया ना टोक्यो में आया, इस बार उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो वो कर सकते थे बेस्ट सुविधा दे सकते थे, सरकार की बहुत मदद है, बहुत पैसा सरकार ने खर्चा है, तो मैं समझता हूँ ये एक ये पूरा टीम है सिस्टम से। हाँ, ये सिस्टम नहीं, एक और जो मैं खास बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोरिया की आर्चरी टीम 1988 से लगातार 9 बार गोल्ड मेडल जीत रही है, वुमेन्स वाली जो है वो इसलिए जीतती है कि जहाँ पेरिस में आई एक साल पहले उन्होंने उसी तरह का स्टेडियम वहां बना लिया, तो हमने भी इस बार ये पेरिस जब पेरिस आए हैं जो हमारे शूटर्स अच्छा कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है कि हमने भी सिमुलेशन किया, जैसे लाइट एक टिल्टेड है यहाँ पे, तो हमने भी वो जो अपना जो शूटिंग रेंज है वो टिल्टेड लगा। देखिए शूटर्स यहाँ पहले आए, उनका कैंप लगा था, तो कैंप में जब उन्होंने देखा कैसे कैसी चीजें हैं तो उस हिसाब से फिर उन्होंने ट्रेनिंग करी, और यहाँ पे भी जैसे अब लक्समबर्ग में ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, लक्समबर्ग हाँ, तो और 4-5 कंट्री में खाना पड़ता था, बेल्जियम जाते थे खाने दोपहर में, लक्समबर्ग में नाश्ता किया, फिर फ्रांस घुस गए, 3 कंट्री में तो हो ही जाता, वही ना, तो थोड़ा प्लानिंग अच्छी हुई है इस बार मैं समझता हूँ, और इसी वजह से देखिए 4th भी आया है, 7th 2 तो फाइनलिस्ट हो गया, बबूटा थोड़े से रह गया, एक 9.5 हो तो देखो किस्मत वाली बात है, अदरवाइज वहां भी मेडल 100% आ जाना। अच्छा कल मैं अभिनव बिंद्रा से बात कर रहा था, वो कई सारे चेंज की बात कर रहे हैं, वो तो फ्यूचरिस्टिक मतलब बहुत ही एकेडमिक है, और शूटिंग में भी चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो, और उन्होंने मुझे हंसते हुए बोला था ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स, बोला कि 3-4 मेडल तो यहीं से आएंगे शूटिंग से, आप निश्चित रहो, आपको भी लगता है और किन प्लेयर्स पे हमारी नजर होनी चाहिए? वो तो आ ही गए हैं, आप कुछ कह नहीं सकते, सारे सक्षम सारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलूंगा यस नहीं है वो नहीं है सक्षम, बट सारे सक्षम है, नहीं लेकिन फिर स्ट्रांगली आप जैसे मैं जब आप गए थे या अंजलि भागवत गई थी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, एक तो देखिए जीपी में मेडल आएगा बिल्कुल, सिमरत जिसका भी सिमरत, हाँ, सिमरत वो भी अच्छा चला रही है, अच्छा रैपिड में था, रैपिड में देखो अनीश भी अच्छा चला रहा है, अनीश का इवेंट वही है जिसमें विजय ने 2012 में लंदन में ओलंपिक्स में जीता था, और देखने में बहुत मजा आ रहा है, ईशा सिंह और ईशा सिंह तो जबरदस्त स्ट्रांग है, मनु तो उसमें है, समझ तो 2-3 मेडल आराम से कम से कम आएंगे, तो 5 मेडल तो आप शूटिंग से उम्मीद कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे कई सारे प्लेयर, आप पेरिस जाके देखिए वहाँ पे कितने मेडल आएंगे, शटरों में हम संभाल लेंगे, शटरों हम संभाल लेंगे, तो ये है हमारे साथ रोंजन सोढ़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेरे बहुत पुराने और हमेशा स्माइल करते हैं, और इनके सीने में एक कांटा है कि इनको ओलंपिक्स का मेडल नहीं मिला, और मैं इनको बहुत हड़काता भी था, और मेरे सीने में कांटा है, कांटा लगा तो मैं क्या करूं, हाँ कांटा लगा तो मैं क्या करूं, और मेरे सीने में तो वो यूपीएससी वाला एक है ही, बट रंजन बात करने का बेहद शुक्रिया, ये तो हम बहुत अच्छी खबर आई है, ये बड़ा शांत सा शहर है लेकिन 2 इंडियन धमाका कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे इंडियन धमाका कर रहे हैं, 3 तारीख को एक बार और मेडल आ जाए तो फिर हम भी धमाका करेंगे, फिर हम भी धमाका करेंगे, साथ में पार्टी भी करेंगे, ठीक है, लवली लवली टॉक, बिल्कुल ये है जिस तरह से हमारे साथ रंजन सोढ़ी और कमाल के शूटर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, डबल ट्रैप में गए थे लंदन, और क्या हार्ड लक हुआ नहीं मिला, और तब से उसके बाद से 2016-2020 हमें कोई मेडल नहीं मिला, और ये मैं बार बार बताता रहता हूँ, ये शूटिंग रेंज है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है, हम कहीं मूव नहीं कर सकते, जैसे मैं पिछले रास्ते से इस रास्ते से आ रहा था तो उन्होंने मुझे रोक दिया, यहाँ से बस 200 मीटर का रास्ता है, लेकिन ये तय करने में आपको आधा घंटा 40 मिनट टाइप का लगेगा, और शूटिंग रेंज से अच्छी खबरें आने शुरू हो गई हैं, मनु भाकर सरबजोत से हम बात आज करने की कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल उनको फाइनल देखने के लिए रोका गया था, फिर डोप टेस्ट होगा, फिर मिक्स जोन में वो लोग जाएंगे, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद हमारी बारी आती है, क्योंकि हम नॉन राइट्स होल्डर्स हैं, तो ये जो सामने हमारे शूटिंग रेंज है इसके बाहर आके ये जो मिलिट्री एरिया है, ये यहाँ नाटो का बेस है ये फ्रेंड, और यहीं पे जो एक मेस है यहाँ पे, जो उसको यहाँ का शूटर्स का गेम्स विलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि जो शूटर्स हैं वहाँ पे नडाल, जोकोविच, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखकर ऑ में नहीं आ रहे, थोड़ा शांत है, और ये गेम्स भी थोड़ा माइंड कंट्रोल वाला होता है, तो यहाँ आकर माइंड को कंट्रोल इन्होंने किया है, इनके कोचेस काफी काम कर रहे हैं, हमने अभिषेक राणा से बातचीत की है, आपको एनडीटीवी पे भेजा है, अभी हम आपको टेक्निकल
चीजें होती हैं उसको एडिट करना होता है और उसको दिखाना होता है, तो हम आपको उसको अगर हम मनु भाकर के बारे में हमने कई सारी बातें करी है, किस तरह से टोक्यो ओलंपिक में मेडल जब चूकी थी वो मेडल से, तो उसके बाद किस तरह से शूटिंग छोड़ने तक का इरादा हासिल कर लिया था, लेकिन अगर सरबजोत के बारे में बात करनी हो तो उनके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, किस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है, कितनी तैयारी, कब से वो लगे हुए थे इसमें। बिल्कुल, देखिए 2016-17 में जैसे मैंने उनके कोच से बातचीत की, केरल में एक नेशनल्स हुआ था, वहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद उनको लग गया अरे कि मैं जीत सकता हूं। मतलब एक मोमेंट होता है ना आपके लाइफ में, टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे आप पीटी क्रैक करते हैं तो आपको लगता है मेंस निकल जाएगा, मेंस क्रैक करते हैं तो आपको लगता है यूपीएससी निकल जाएगा, तो उस टाइप का एक टर्निंग पॉइंट उनके लिए नेशनल्स था। और उस नेशनल्स के बाद से उनके कोच हैं अभिषेक राणा, उनका एक दोस्त है आदित्य, ये इन दोनों की दो एकेडमी है, एक एकेडमी है वहां पे अंबाला में, वहीं ये ट्रेनिंग करते हैं। इनके फादर जमींदार हैं, बहुत ही शांत किस्म के हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपने में रहते हैं, बट फोकस अल्टीमेट है। तो उसके जरिए ये आप समझिए वो एक सफर शुरू हुआ। उसके बाद 2021 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 2022 में जो एशियन गेम्स है वहां पे उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, और उसके बाद जो है लेकिन ये कहना कि मतलब लोग उम्मीद कर रहे हो क्योंकि पहला ओलंपिक्स है और टॉप क्लास शूटिंग कर रहे थे, जो लोग शूटिंग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, ट्रायल्स में मैं जाता था तो उनका जो स्कोर लेवल है, जो ट्रायल्स हुआ वहां पे उन्होंने दिखाया कि दम है उनमें और बंदे में, और जैसे उनके आदित्य है अभी जो टॉप कर रहे हैं उस इस इवेंट में टॉप पे है उनका स्कोर, लेकिन वो मतलब वो उनके पीछे रहे। हालांकि देखिए क्या दोस्ती है जय वीरू वाली, वो खुद नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन अपने दोस्त को वो दोस्त की हौसला अफजाई कर रहे हैं लगातार, और इस हौसला अफजाई के साथ वो उनको बढ़ाते रहे। और आज भी जब मैं उनके कोच से, उनके प्रिंसिपल, उनके स्कूल के डीएवी स्कूल के आए हुए थे उनसे बातचीत कर रहा था, तो उनका कहना था कि मतलब वो मिस कर रहे थे अपने टीम को, लेकिन यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन तो होता ही, आपके पास बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनको कि आपको मतलब आप 117 क्वालिफाई के तो आपका सपोर्ट स्टाफ का एक नंबर होता है जो कि गेम्स विलेज में जा सकता है, इसलिए पर्सनल कोचेस जो है उनको अलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह से जीतते रहेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय सरकार, भारतीय सिस्टम जो है अब कुछ और भी खर्च करेगी, ताकि जैसे जसपाल राणा है पर्सनल कोच, वो टीम के कोच नहीं, वो मनु भाकर के पर्सनल कोच है, यहाँ आए हैं और यहाँ आके वो रह रहे हैं, तो अब तो उनको गेम्स विलेज में पीटी उषा ने काफी कोशिश करके उनको ये करवा, लेकिन जैसे काफी सारे पर्सनल कोचेस का फायदा क्या होता है, जैसे सरबजोत ने कल खराब शूट किया, अपने कोचेस से बात की, अपने कोच ने उनको हौसला बढ़ाया, संयम दिखाया, उनको बताया कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, और देखिए मतलब क्या कमाल की शूटिंग की। हालांकि उनका शूटिंग का जो सरबजोत का जो पहला शॉट था 8.6 था, जो दूसरे इसमें एक पहले जो कुछ शॉट थे उसमें 8.6 था, मनु ने भी एक 9 का स्कोर किया, लेकिन कई जब मौका आया 10.5, 10.6, 10.7 बिल्कुल। और जब आप मनु भाकर से और सरबजोत से मिलेंगे तो आप जरूर उनसे ये जी विमल बताइए एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसलिए 10.7 10.9 को बार बार स्ट्रेस डालता हूँ, 10.9 का मतलब है कि आपकी आंख की पुतली 10 मीटर पे है और जो अंदर वाला जो ब्लैक है पिन का जो टॉप होता है उसको शूट करना होता है, तो 10.7 है मतलब पिन के टॉप से ठीक नीचे उन्होंने शूट किया होगा, ठीक है, तो इस प्रेसिजन इस फोकस के साथ मतलब, और शूटिंग कंडीशन आसान नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे गर्मी है, अंदर भी एसी नहीं है, हवा नहीं है, और शूटर्स को शूट करना है, मतलब अल्टीमेट लेवल ऑफ जो प्रिपरेशन होगा इंडिया का जो भारतीय शूटर्स ने किया है, और मानना पड़ेगा और उनकी दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल विमल, और जिस तरह से इन दोनों को आप जब मिलेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि उनके परिवारों में और हर जगह अब मिठाइयाँ और लड्डू जो हैं उनका सिलसिला जो है चल पड़ा है, मिठाइयाँ अब रुक नहीं रही है बिल्कुल। और एक ख़ास बात ये भी है कि ओ ये जिन और ली वोन हो जो कोरियाई जोड़ी का सामना यहाँ पर मनु भाकर और सरबजोत ने किया था, तो ये वही ओ ये जिन थी जिन्होंने रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल की महिला में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और वो इस कदर फॉर्म में थी कि उन्होंने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया, और मनु वहां पर तो भले ही ब्रॉन्ज लेकर आए लेकिन यहां पर उन्होंने ज़रूर इस टीम इवेंट में ज़रूर उन्हें हरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विमल, आपके पास हम आते रहेंगे, एक बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर मनु भाकर और सरबजीत का सरबजोत का देखने को मिला है, टीम इवेंट पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है।